हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूं अकबरपुर जंक्शन पे। ठीक है, ये अकबरपुर जंक्शन जो है ना, बहुत बड़ा कोई मतलब जंक्शन है नहीं। यहां पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, इनकी जो पूरी रिव्यू जो है मैं अभी देने वाला हूँ आपको। मतलब यहाँ पर किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं अभी इस वीडियो में ही क्लियर करने वाला हूँ। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इसका वही पहले वाला है। आई डोंट नो, मतलब आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले ये स्टेशन कैसा हुआ करता था, लेकिन अभी जो इसकी हालत है वो मतलब यहाँ पर की तो मेन सही है, लेकिन टिकटिंग सेक्शन में जो है, अभी मैं आपको चल कर दिखाऊँगा, वहाँ पर की चीज़ें थोड़ी सी डैमेज हो चुकी है। मतलब थोड़ी क्या, पूरी डैमेज ही है, मतलब थोड़ी सी बची है बस, और कुछ नहीं है। तो इम्प्रूवमेंट वहाँ पर होनी चाहिए। पता नहीं मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक चल रही है। अगर ये वीडियो रेलवे डिपार्टमेंट तक पहुँच पाए तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि छोटी छोटी जगह पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वैसे तो अभी बहुत ज़ोर शोर से रेलवे डिपार्टमेंट में काम चल रहा है, हर जगह पर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट है, बस यहाँ पर भी थोड़ा सा काम की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं यार। मतलब इस स्टेशन के पास में ना आपको वेटिंग हॉल तो मिलेंगे, जो कि स्पेस के अकॉर्डिंग छोटा है, काफ़ी छोटा है। स्पेस था यहाँ पर, लेकिन अब पुरानी कंस्ट्रक्शन की गई है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी जगह था उसमें ही इन्होंने एडजस्ट किया हुआ है। अभी इनसाइड हम लोग चलेंगे, मेरे लेफ्ट में आगे जाकर जाएंगे आप तो वहाँ पर दो ठो रूम मिलेगा, जो कि वेटिंग रूम होगा, और मेरे बैक साइड में जो है, ठीक है ना। और अगर मेरे राइट में जाएंगे तो यहाँ से बस ओपन एरिया है जहाँ पर आप बैठ सकते, प्लेटफॉर्म वगैरह लगा हुआ है तो उस पर आप बैठ सकते, ठीक है। तो यहाँ से अभी आपको मैं सारी चीज़ें कवर करके दिखाऊंगा अपने वीडियो में। मतलब यहाँ पर अगर अकबरपुर आना चाहते आप तो ईज़िली आप पहुँच सकते हैं यहाँ पर। मतलब ये वेल कनेक्टेड है हर जगह से। अगर आप बिहार से पटना से कनेक्ट करना चाहो वहाँ से भी आ सकते हो, गया से भी चाहो तो वहाँ से भी आ सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि मतलब जैसे और सभी रूट में टिकटिंग की फैसिलिटी ज़्यादा होती है, बिकॉज़ वहाँ पे ट्रेन्स ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे ट्रेन्स उतने ज़्यादा नहीं होते। तो थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा, और टिकटिंग वगैरह अगर आपको करनी हो ना तो आपको पहले करना पड़ेगा। और आज मौसम तो खैर बारिश वाली है, तो बारिश अगर धीमी धीमी हो, शावर हो तो बेहतर है। बारिश जैसे अभी तेज़ बहुत हो रही थी आने के टाइम पे, वैसी अगर होने लग जाए फिर तो फिर स्टेशन पे बहुत सारे लोगों का एट ए टाइम स्टे करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, लोगों के साथ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी इन चीज़ों की प्रॉब्लम है। और मेन जहाँ पर टिकट काउंटर है ना, वो वाला सेक्शन पूरा का पूरा डैमेज है। मैं अभी चलूँगा उस साइड भी आपको चलकर दिखाऊंगा, पहले मैं अपनी ट्रेन की ज़रा खबर ले लूँ, क्या है नहीं है, कितने बजे आ रही है। ये देख लो, पूरी रश देख लो, मतलब अभी टाइमिंग करीब करीब 4 बजे के आसपास एक ट्रेन है जो कि मेरी ट्रेन है, और उस ट्रेन का नंबर मुझे याद नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और एक और ट्रेन है जो कि 7 बजे है। तो मतलब अलग अलग जगह से कनेक्ट होती है, तो इन ट्रेन के लिए सारे पैसेंजर्स को रुकना होता है। और यहाँ पर इतने ज़्यादा पैसेंजर्स होने की वजह क्या है ना कि यहाँ सभी लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। तो ये देखो भाई, यही है वो सेक्शन जो टिकटिंग काउंटर है यहाँ पर। और किस तरीके से, मतलब टिकट काउंटर छोटा सा जंक्शन है ये, इसीलिए यहाँ पर उतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। नाइट में आओ अगर आप तो यहाँ पर स्टे करना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो आप यहीं पर स्टे कर सकते हो होल नाइट। और यहाँ से चूँकि अप्रॉक्स 26-27 किलोमीटर होगा दरगाह शरीफ, तो इसलिए यहाँ से रात में जाना सही नहीं है। ये देख लो पूरी सीलिंग, मतलब पूरा डैमेज है, पानी रिस रहा है, पूरी बाढ़ आ चुकी है भाई। मतलब पता नहीं यहाँ पर कोई बोलता भी है कुछ या नहीं, यहाँ पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है शायद काफ़ी टाइम से। मतलब इतना डैमेज है इसमें, ना ही कोई रिपेयरिंग का काम चल रहा है, ना ही इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो कुछ तो है मसला यहाँ पर। हालांकि जितनी पॉपुलेशन है यहाँ पर,
और जितने लोगों का कनेक्शन है यहाँ से, मतलब इतने ज़्यादा लोग इधर पहुँचते हैं, तो उस हिसाब से तो इसको इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए था। ये जंक्शन है, जंक्शन का ये हाल है भाई साहब, देख लो आप। मतलब जंक्शन बोले तो कम से कम जंक्शन तो सही रहना चाहिए यार, हम लोग के यहाँ का स्टेशन इससे बेहतर होता है। तो खैर वो तो चीज़ें अलग सी है। यहाँ पर मैं बस रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो और रेलवे डिपार्टमेंट तक पहुँच पा रही है तो फिर बाकी क्या कर सकते। जब यहाँ के लोकल लोग कुछ कर नहीं सकते तो हम लोग क्या कर सकते भाई। इसमें और कोई मसला है नहीं, बाकी चीज़ें सही है। और इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यही है कि आप आओ यहाँ, तो नाइट के टाइम ऐसी ट्रेन से आओ ना कि आपकी तरफ से कितने बजे ट्रेन चलती है, डिपार्ट कितने बजे करती है, डजेंट मैटर। आप यहाँ पर उस टाइम पे पहुँचो ना जिस टाइम पे आपको दरगाह शरीफ तक पहुँच जाना कन्वीनियंट हो, मतलब आपके लिए वो जो है ना कोई प्रॉब्लम ना हो वहाँ तक पहुँचने में। क्योंकि जैसे ही नाइट होता है ना तो यहाँ पर ऑटो वाले जो मैजिक वाले हैं ना उनका ड्रामा शुरू होता है, ठीक है। और उसके अलावे आपको नाइट में बस की फैसिलिटी नहीं मिलती है, और यहाँ पर होटल्स वगैरह हैं तो थोड़ा सा स्टेशन के आगे जाना पड़ेगा, लेकिन उनके चार्जेस बहुत अच्छे खासे हैं। तो अगर कोई मतलब फाइनेंशियल इशू से मतलब गुजर रहा है, जिसके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उनको यहाँ पर आकर के जो है और कोई ऑप्शन नहीं है जाने का, उनको बस एक ही ऑप्शन मिलता है कि वो रुक सकते हैं बस वहीं स्टेशन पे ही, और कोई बात नहीं। अदरवाइज ये हम लोग अब पहुँच चुके मुगल सराय, जिसका नाम चेंज करके रख दिया गया है दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन। अच्छा, अच्छी बात ये है कि ये जो बुलेट ट्रेन चलने वाली है ना उसका कनेक्शन यहाँ से है, मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रेन क्रॉसेस फ्रॉम दिस जंक्शन। मतलब इंडिया के किसी अदर कॉर्नर पे जाना है आपको, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है आपको, तो वाया मुगल सराय ही आपको जाना होता है। मतलब बहुत सारे जगह को ये कनेक्ट करती है, सारी डाइवर्शन यहाँ से ही है। तो इसलिए बुलेट का जो स्टॉपेज है ना मुगल सराय में भी दिया गया। एक वक्त होता था मुगल सराय इतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं हुआ करता था, जो कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी डेवलप हो चुका है। तो ये है मुगल सराय, आप देख सकते हो। यहाँ पर हर एक ट्रेन को रुकना ही रुकना लाजिम, मतलब वो जो है ना नॉर्मल स्टेशन पे जितने टाइम रुकते उससे ज़्यादा यहाँ पर रुकते। वो तो इस ट्रेन के अकॉर्डिंग उसकी टाइमिंग होती है, कौन सी ट्रेन को कहाँ पर कितने टाइम के लिए रुकना है, वो चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें तो वैसे ही नॉर्मल मिल जाती है, मतलब नॉर्थ ईस्ट की जो भी फूड है वो सारी चीज़ें मिल जाती है। लो गाइस, हम लोग पहुँच चुके अपने शहर पटना में। तो पटना में आपका स्वागत है, हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके। अब यहाँ से हम लोगों को निकल कर सीधे घर की तरफ रवाना होना है, और कोई टेंशन नहीं है। और पटना जंक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मतलब बेहतर है, बाकियों से तो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी डेवलपमेंट का काम हुआ है। और इस जंक्शन की बात मैं आपको बता दूं कि मतलब ऐसा जंक्शन है ना ये, जहाँ पर ऑलवेज कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। मतलब मुझे समझ नहीं आता रेलवे गवर्नमेंट का क्या सीन है। मतलब चलो अभी जैसे देख लो ये फ्लोरिंग वगैरह सब देख लो, टाइल्स मार्बल सारे जो भी चीज़ें लगी है सब कुछ बेहतर है। अभी क्या होगा, थोड़ी टाइम पे ही कुछ इशू होगा इनके साथ, फिर इसको तोड़कर हटाएंगे, दूसरी चीज़ें लगाएंगे। मतलब ऐसे ही अंडर कंस्ट्रक्शन ही रहता है ये स्टेशन ऑलवेज। अच्छा, ये इसके अलावे आप यहाँ पर जो भी रेलवे की फैसिलिटी होती है सारी चीज़ें मतलब फर्स्ट क्लास की, मतलब अव्वल क्लास की जो है ना फैसिलिटी यहाँ पे मिल जानी है आपको। यहाँ पर रुकने की भी कोई टेंशन नहीं है, खाने पीने की भी कोई टेंशन नहीं है। आप कहीं से भी आओ पटना में तो हर फैसिलिटी यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट मिल जाती है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक मारें और दोस्तों में शेयर करें। पहली बार चैनल पर आए तो इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर